वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और मेरा नाम है प्रज्ञा सुशांत बंसोड़े और ये है मेरा किचन। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं साबूदाना वड़ा। तो इसके लिए मैंने एक घंटा साबूदाना को भिगो के रखा था और ये मैंने पोटैटो को बॉईल करके मैश करके रख दिया था। तो सबसे पहले हमें कढ़ाई में तेल डाल के रखना है क्योंकि हमारी कढ़ाई बहुत ज्यादा गर्म हो चुकी है। तो फ्रेंड्स, मैंने कढ़ाई में तेल डाल दिया है और ये गर्म होने तक हम बना लेते हैं साबूदाना का मिक्सचर। तो सबसे पहले साबूदाना में हम डालेंगे पोटैटो का मैश किया हुआ। तो हमने ये डाल दिया है और फिर हम डालेंगे इसमें से, तो अभी हम डालेंगे इसमें थोड़ा सा जिससे कि ये क्रिस्पी और ज्यादा क्रंची लगे। तो हमें डालना है इसको इसमें 1 स्पून और हमने इसमें डाला है 2 स्पून एंड हाफ। तो ये डालने के बाद हम डालेंगे इसमें थोड़ा सा हल्दी डाली है हमने और फिर हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा ये मिर्च का पेस्ट। तो ये मिर्च का पेस्ट हमने डाल दिया है और हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा सॉल्ट। और फ्रेंड्स, अभी हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा जीरा। तो फ्रेंड्स, हमने जीरा डाल दिया है तो अभी हम इसका अच्छे से मिक्सचर बना लेंगे। फ्रेंड्स, तो तब तक हमारा तेल गरम हो रहा है अच्छे से, तो हमें इसको अच्छे से गरम ही होना है। तो फ्रेंड्स, हमारा ये मिक्सचर बनके रेडी है। तो देखते हैं फ्रेंड्स, ये कितने अच्छे से फ्राई हो रहा है। तो फ्रेंड्स, ऐसे करके हम बहुत सारे बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, देख सकते हो कितना अच्छा बना है। तो हमें ऐसे ही और बहुत सारे बनाने हैं। तो हम तब तक के दूसरा हमारा डाल देते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, आप जाल वगैरह उसका कितना अच्छे अच्छे से लग के ये हो रहा है और वो बहुत अच्छे से चूल्हा भी अच्छे से चल रहा है बहुत ज्यादा। तो फ्रेंड्स, इसी तरीके से हम सारे वड़े अपने तल के ले लेंगे। तो हम
एक एक करके अच्छे अच्छे से कर लेते हैं इसको। तो फ्रेंड्स हमें इसको 5-5 मिनट पे हिलाना है, हिलाना है मतलब। तो आप देख सकते हो फ्रेंड्स ये कितना ज्यादा क्रिस्पी लग रहा है और ये खाते टाइम बहुत ही ज्यादा क्रंची लगेगा आपको। आप देख सकते हो, ये देख सकते हो आप कितना अच्छे से बन के रह रही है ये। और यहाँ पे हमारा और एक बन रहा है। तो फ्रेंड्स इसी तरीके से हम सब बना के तैयार करते हैं। तो फ्रेंड्स मैं जिस पे कुकिंग कर रही हूँ, खाना बना रही हूँ, वो चूल्हा मैंने खुद के हाथों से बनाया। आप देख सकते हो कितना अच्छा बना और वो कितना मजबूत बना है। मैं इसको एक बार देख लेना है। तो फ्रेंड्स मुझे मिट्टी की चीजें बनाना मतलब मुझे बहुत इंटरेस्ट है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है ऐसे मिट्टी की चीजें बनाना। मैं बहुत सारी चीजें सिंपल से बनाती हूँ। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो मैंने एक साथ 3-3 ट्राई किए हैं क्योंकि ये जल्दी से बन पाए। थोड़े से नीचे से कच्चे तब तक के लिए हम और अलग बना लेते हैं। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो मैंने ये छोटे छोटे कितने अच्छे क्यूट बनाए हैं। और फ्रेंड्स ये साथ साथ खाने के लिए ग्रीन चटनी है, चिली की ग्रीन चटनी। तो फ्रेंड्स खाना बनाते बनाते हमें जाल का भी मतलब ध्यान रखना है क्योंकि ये बूझे कम ना हो, इसलिए हमें ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स तब तक के लिए मैंने इतने बनाए और ये बाकी काम बाद में बना लेंगे। तो फ्रेंड्स अभी मैं अपने फ्रेंड्स को देती हूँ, सर्व करती हूँ। तो फ्रेंड्स मेरे तरफ से ये सब आप सबके लिए पहले। तो फ्रेंड्स मैं और मेरे फ्रेंड्स को चटनी के साथ दूंगी। तो फ्रेंड्स मैं मेरे फ्रेंड्स को दे रही हूँ। मेरे भाई और फ्रेंड्स ने कहा कि मैंने बहुत अच्छा बनाया है, तो आप भी अपने घर पे ये बना के सकते हैं रेसिपी। और ये बहुत ज़्यादा टेस्टी है और क्रंची और क्रिस्पी भी, और ये बहुत ज़्यादा चीज़ी भी दिखता है। तो आप भी अपने घर पे बनाइए, ट्राई कीजिए और खाइए और सेहतमंद रहिए। तो तब तक के लिए बाय। और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए। तो बाय।